बिहार से एक बड़ी खबर सामने आ रही है वैशाली के हाजीपुर में, जहां सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत के बाद आक्रोशित लोगों ने जमकर हंगामा करते हुए 3 बसों में आग लगा दी। घटना NH 77 पर हुई। मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि हाजीपुर के सदर थाना क्षेत्र में NH 77 पर सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। हादसा मंगलवार को हुई। इस हादसे के बाद गुस्साए स्थानीय लोगों ने हंगामा करते हुए 3 बसों में आग लगा दी। बस में आग लगने की इस घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना पर सदर थाना की पुलिस भारी संख्या में पहुंची, साथ ही फायर ब्रिगेड की यूनिट्स को भी बुलाया गया। दूसरी ओर बसों में आग लगाने वाले और हंगामा करने वाले लोग पुलिस के आने की सूचना मिलते ही भाग खड़े हुए। पुलिस के पहुंचने के बाद स्थिति नियंत्रण में बताई जाती है। हालांकि आगजनी की इस घटना से करीब 1 से 1.5 घंटे तक हाईवे पर जाम लग गया। इस कारण पटना से मुजफ्फरपुर की ओर आने वाली और मुजफ्फरपुर से पटना की ओर जाने वाली वाहनों की कतारें दोनों ओर लग गई। जाम के कारण आम यात्रियों को भी परेशानी उठानी पड़ी। हादसे के पीड़ित युवक की अभी तक पहचान नहीं हो सकी है।